सभी धर्मानुरागी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा में हमने पंचेंद्रिय सूत्र की प्रथम गाथा का उच्चारण किया। अब हम इस कक्षा में पंचेंद्रिय सूत्र की प्रथम गाथा के अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। पंचेंद्रिय सूत्र को गुरु स्थापना सूत्र भी कहते हैं। अब पंचेंद्रिय सूत्र को गुरु स्थापना सूत्र क्यों कहते हैं, आइए इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। जितनी भी धर्म अनुष्ठान की क्रियाएं हैं, धर्म क्रियाएं हैं, जैसे सामायिक है, पोषद है, प्रतिक्रमण है, उपदान है आदि, जितनी भी क्रियाएं हैं ये हमें गुरु के समक्ष गुरु की आज्ञा से और गुरु के प्रति विनय भाव रखते हुए करनी चाहिए। यदि गुरु महाराज विराजमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, तो क्या हमको ये धर्म क्रिया नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, हमको करनी चाहिए, क्योंकि इन धर्म क्रियाओं के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो फिर जब गुरु महाराज उपस्थित नहीं है तो हम कैसे इन धर्म क्रियाओं को करें, मतलब कैसे गुरु महाराज को हम स्थापना करें? तो इसके लिए शास्त्रकार ने गुरु विरम्मी गुरु ठवड़ा नाम के सूत्र के द्वारा हमें कहा गया है कि दर्शन ज्ञान चरित्र के किसी भी उपकरण को विराजमान करके उसमें गुरु की स्थापना करके हम इन धर्मानुष्ठानों को कर सकते हैं। इसी को ही गुरु स्थापना कहते हैं। तो इसके लिए क्या करें, एक चौकी पे ऐसी पुस्तक को लें जिसमें नवकार मंत्र और पंचेंद्रिय सूत्र लिखा हुआ हो। जैसे ये हमारे पास दो प्रतिक्रमण की पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर नवकार मंत्र और पंचेंद्रिय सूत्र लिखा है, उसको रखें। और इसके बाद अपने मन में भाव रखें कि हम गुरु को आमंत्रण कर रहे हैं और गुरु की स्थापना कर रहे हैं। उस भाव से, उस उद्देश्य से अपने दाएं हाथ को उस पुस्तक के सामने रख करके नवकार मंत्र और पंचेंद्रिय सूत्र का उच्चारण करें, इससे गुरु की स्थापना होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पंचेंद्रिय सूत्र के माध्यम से हम गुरु की स्थापना करते हैं, इसीलिए इस पंचेंद्रिय सूत्र को क्या कहते हैं, गुरु स्थापना सूत्र भी कहते हैं। चलिए अब हम पंचेंद्रिय सूत्र की प्रथम गाथा का अर्थ समझते हैं। पंचेंद्रिय संवरणो, पंचेंद्रिय का मतलब होता है पांच इंद्रियों को। तो पांच इंद्रियां कौन कौन सी हो गई, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। पांच इंद्रियों को वश में रखने वाले, संवरणों का मत अर्थ हो गया वश में रखने वाले। तो पांच इंद्रियों को वश में रखना मतलब पांच इंद्रियों के 23 विषयों को वश में रखना। तो पांच इंद्रियों के को वश में रखने वाले कौन, हमारे आचार्य भगवंत, हमारे गुरु महाराज। तह नव बीह बंभ चेर गुत्ति धरो, तह का मतलब होता है तथा, नव बीह मतलब नौ प्रकार की, बंभचेर यानी ब्रह्मचर्य की गुत्ती, गुप्ती को धरो, धारण करने वाले। इस पूरे पद का क्या अर्थ हुआ, तथा नौ प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्ती को धारण करने वाले। अब नौ प्रकार का ब्रह्मचर्य क्या होता है, नौ प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है कि नौ प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्ती को धारण करने वाले। तो नौ प्रकार की ब्रह्मचर्य का मतलब हो गया कि यानी स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना, स्त्रियों के अंगों पांगों को आसक्ति पूर्वक नहीं देखना, पूर्व में अगर है ना स्त्रियों के साथ क्रीड़ा की गई हो उसका स्मरण नहीं करना, जिस स्थान पर स्त्री पुरुष का जोड़ा रहता हो उस दीवार, अगर उस दीवार के पार किसी साधु को नहीं ठहरना, या जहाँ पर पशु रहता हो, स्त्री रहती हो या नपुंसक रहते हो, वहाँ पर जो है साधु को नहीं ठहरना, इस तरीके से नौ प्रकार की ब्रह्मचर्य के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। चौबीह कषाय मुक्को, चौबीह मतलब चार प्रकार की, कषाय मतलब कषाय से, मुक्को मतलब मुक्त, जो चार प्रकार के कषाय से मुक्त हों। इय मतलब इस प्रकार, अठारस अठारह गुणे हिम गुणों से संयुक्तो युक्त, इस प्रकार अठारह गुणों से युक्त। ये जो गाथा है
ने पहली गाथा का अर्थ अभी पूर्ण नहीं हुआ, ये गाथा का अर्थ पूर्ण दूसरी गाथा के माध्यम से हम आगे पढ़ेंगे, तब हम इसको पूरी तरीके से समझेंगे। तो मेरा ये कहने का अर्थ यही है कि हमारे गुरु महाराज कौन होते हैं, तो गुरु महाराज के अभी 18 गुणों का वर्णन किया है 36 में से। तो जो 5 इंद्रियों को वश में करने वाले, 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्ति को धारण करने वाले, यानी 5 + 9 प्लस 4 प्रकार के कषाय से मुक्त प्लस 4 प्लस इसके बाद में टोटल इक्वल कितना आएगा, इक्वल आएगा 9 और 5 14 और 4 18। इस प्रकार 18 गुणों से युक्त, फिर उसके बाद में और 18 गुण आएंगे, इस तरीके से 36 गुण एक आचार्य महाराज के होते हैं। अब आगे की कक्षा में हम दूसरी गाथा का अध्ययन करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। जिनवाड़ी माता के विरुद्ध मैंने कोई भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र।